अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अफ्तारी या सहरी स्पेशल, बोलो जो भी बोलना है आप लोग बोल सकते हैं। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मेरा चिकन ड्रैगन। तो ये क्विक एंड ईजी रेसिपी है, छोटा सी ब्लॉग है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज दिन भर जो भी करूँगी वो अलग ब्लॉग में रमज़ान के पार्ट 7 में मैं डाल दूँगी, तो वो ब्लॉग भी आप लोग देखना। वो ब्लॉग रात को आएगा सहरी के टाइम पे। तो अभी आप लोगों के लिए एक रेसिपी शेयर करी, फटाफट से आप लोग जाके देखिएगा, फटाफट नोट डाउन करिएगा। ये बहुत ईजी और सिंपल चंद इन्ग्रीडियंट, घर में सारे इन्ग्रीडियंट मौजूद रहती है, वही इन्ग्रीडियंट से बनेगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारा चिकन ड्रैगन। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बोलिए, अपने परिवार को बोलिए, बच्चों को बोलिए, बड़ों को बोलो, बुजुर्ग को बोलो, जिनको बोलना है बोलिए, आजू बाजू सबको बोलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आप लोग के लिए हर दिन रोज़ यूँ वीडियो लाते रहूँगी और इसी तरह रेसिपी शेयर करते रहूँगी और कुछ कुछ एक्साइटिंग चीज़ें भी आपके लिए लाते रहूँगी। तो चलिए आप शुरू करते, कम वक्त लोगे आपका, शुरू करते हैं चिकन ड्रैगन की ये रेसिपी। आज है ना चिकन ड्रैगन बनाने वाली हूँ। तो चिकन ड्रैगन को मैंने मैरिनेट की हूँ, इसमें मैंने थोड़ा कॉर्नफ्लावर, मैदा और नमक डाल के चिकन को बैटर लगा दी हूँ। चिकन को मैंने ली हूँ 500 ग्राम चिकन, यानी मैंने पाव किलो चिकन या आधा किलो चिकन कुछ ली हूँ। तो देखिए मैंने इसको मसाला लगा के 1 घंटे तक मैरिनेट होने रखे। आप लोग चाहिए तो ताबड़तोप भी लगा कर बना सकते। तो अभी चलिए इसको फ्राई कर लेंगे, फिर आगे 65 कैसे बनाना है, सॉरी 65 बोल रही हूँ, ड्रैगन बना रही हूँ मैं। तो ड्रैगन कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है ना मैंने देखिए शिमला मिर्च और कांदे को कट कर दियो, इस तरह से क्यूब्स में इसको कट करके हमको साइड में रख देना है। यहाँ पर अभी मैंने तेल गरम कर दिया, अभी मैं इसमें मेरा चिकन फ्राई कर लूँगी। अभी मैं यहाँ पर है ना मेरा चिकन फ्राई कर रही हूँ। और मैंने देखे कांदे की पत्तियाँ और कांदे को कट कर दियो। यहाँ पर चिली फ्लेक्स है, ओरेगैनो है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें सिजवान चटनी है। मैं सबसे पहले ना इसमें तेल ऐड कर दूँगी मेरा ड्रैगन बनाने के लिए। तो तेल हम 3 से 4 चम्मच मैं ऐड कर दूँगी इसमें। आप लोग अपने हिसाब से तेल डालिएगा, तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। पहले अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लेना है हमको। आप लोग चाहिए तो अदरक लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं, मेरे पास पेस्ट थी तो टाइम की बचत भी हो जाती है, तो इसलिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। ये बहुत सिंपल है ना, आप लोग इसे स्टार्टर के तौर पे भी खा सकते हो, या तो आप लोग इसे पराठा या नान के साथ, मैं तो पराठों के साथ खाने वाली हूँ आज। मैं ये सहरी के लिए बना रही हूँ मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, तो हम इसे सहरी में आज खाने वाले हैं। तो आप लोग चाहे तो इसको स्टार्टर के तौर पर अफ्तारी में भी रख के खा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें ना ये जो वेजीज मैंने कट कर रही हूँ इसको सॉटे करने के लिए इसमें ऐड कर दे रही हूँ। मैं देखिए सारी चीज़ों को डाल दी हूँ, अभी मैं इसे ना अच्छी तरह से थोड़ा सॉटे कर लूँगी। थोड़ा मेरा कांदा और ये जब तक पकना जाए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पर है ना देखिए मैं 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड कर रही हूँ। मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और मेरे कांदा और शिमला भी अच्छी तरह नरम हो चुके हैं, तो मैं मसाले ऐड कर रही हूँ अभी इसमें। आप नोट डाउन कीजिए, ऐड कर दे रही हूँ। आप लोगों को बताने भूल गई थी कि मैंने ना इसमें वाइट पेपर का इस्तेमाल करी हूँ, ब्लैक पेपर नहीं करी हूँ। तो मैंने अभी मसाले देखिए डाल दी हूँ, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, जीरा पाउडर और वाइट पेपर पाउडर। ये सारी चीज़ों को हमको थोड़ी देर 2 मिनट तक भूनना है। मेरे पास थोड़ा चिकन का स्टॉक अवेलेबल है, तो मैं थोड़ा इसमें ना चिकन का स्टॉक मिला रही हूँ, ताकि थोड़ा मसाला अच्छी तरह से भून जाए मेरा। और देख सकते हैं कि मेरा मसाला देखिए कितने अच्छी तरह से भून चुका है, कलर और टेक्सचर देखिएगा माशाल्लाह से, बहुत अच्छा कलर आ चुका है और तेल भी छूट चुका है, तो इसका मतलब है मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं। अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं इसमें ना चिल्ली सॉस वगैरह ऐड करती हूँ, आपको बताती हूँ। मैं इसमें ऐड करूँ 1 चम्मच भर के रेड चिल्ली सॉस, 1/2 चम्मच भर के सोया सॉस और 1/2 चम्मच भर के सिरका, वेनेगर आपको चाहिए तो आप लोग डालिएगा वरना ऑप्शनल है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है फिर से। देखिए इसका रंग बदलते हुए आ रहा है मसाले में। आप लोग चाहिए तो लाल, रेड और शिमला मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हो, वो भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप लोग डालिएगा।
अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के अपना सिजवान चटनी, अभी इसे भी मिला लूँगी मैं। अभी हम इसमें है ना ऐड कर देंगे हमारा जो चिकन है वो ऐड कर दूँगी मैं, थोड़ा मसालों में अच्छी तरह से ये पक जाए इसलिए। चीज़ों को देखो मैं मिला रही हूँ अच्छी तरह से चिकन को, अभी थोड़ी देर मैं इसे पकने दूंगी एक दो तीन मिनट तक। अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं इसमें ना थोड़ा ओरेगैनो ऐड कर रही हूँ, ये मैं मेरे तरीके का बता रही हूँ आप लोगों को। चिकन ड्रैगन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे तो आपकी मर्ज़ी है। और इसमें थोड़ी चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ मैं, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो डालिएगा, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा आपके चिकन ड्रैगन का। मैं तो इसमें डाल रही हूँ सब चीज़ें, आप लोग देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा। और देखिए मेरी ग्रेवी पक रही है, मैं अभी इसमें कांदे की पत्ती और वो कांदा डाल दे रही हूँ। मैं थोड़ी देर और इसे दो मिनट तक पकने दूंगी। ये पक रही है, मैं एक चम्मच इसमें है ना क्रीम भी ऐड कर रही हूँ। मेरे आपके पास क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसे ऑप्शनल भी कर सकते हो, बट ये सब चीज़ें डालने से ना टेस्ट बहुत यम्मी आएगा आपको, ये चिकन ड्रैगन बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग ये सब चीज़ डाल के ज़रूर बनाइएगा। अभी यहाँ पर है ना मैंने इसमें है ना कॉर्नफ्लावर ऐड कर दी थोड़ा सी घट होने के लिए, तो नमक वगैरह की तो अभी देखिए रोज़ा है तो पता तो नहीं चलेगा, तो मैंने तो वैसे भी मसालों में नमक डाल दी थी और चिकन में भी मसाले में लगाई थी, तो ज़रूर से देखिए यहाँ पे ये गाढ़ा होते आ रहा है। मैंने कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करी हूँ, अगर आपको चाहिए लाल कलर का चिकन ड्रैगन बहुत सी जगह रेड कलर का भी मिलता है, तो मैं तो देखिए ये कलर का ही बनाई हूँ और मेरे को तो नहीं लगता कि हमको इसमें फूड कलर डालना चाहिए। तो देखिए यम्मी सा चिकन ड्रैगन मेरा यहाँ पर तैयार है, मैं प्लेटिंग करके आपके साथ शेयर करूँगी और ये रेसिपी को आई होप आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। देखिएगा मेरा चिकन ड्रैगन तैयार हो चुका है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना है। आप लोग ये रेसिपी को स्टार्टर के तौर पे भी खा सकते हैं, अगर आपको कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है ना तो आप लोग नहीं डालिएगा, इसको सूखा ही बनाइएगा। एक दिन मैं आपको सूखा भी बनाकर आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए मेरा चिकन ड्रैगन यहाँ मस्त तैयार है गर्मा गर्म, आप लोग इसे ऐसे ही खा सकते हैं या रोटी नान जो भी है आप उसके साथ भी खा सकते हैं। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आप लोगों को मेरी ये चिकन ड्रैगन की क्विक एंड इजी रेसिपी फास्ट वाली अच्छी लगी होगी, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। आप लोग इसे स्टार्टर के तौर पर भी खा सकते हैं, जब भी रमज़ान में अफ्तारी के टाइम पे भी आप लोग खा सकते हैं, नान पराठा जो भी बोले रोटी वगैरह से भी खा सकते हो। तो मैंने ये चिकन ड्रैगन बनाया हूँ, जो अफ्तारी के लिए नहीं बनाई हूँ, मैंने बच्चों के लिए बनाई हूँ, जो शहरी में वो लोग खाएंगे उनको भूख लगती है, तो इसलिए आज उनके लिए ये बनाया और इसके साथ मैं मैदे के पराठे बना दूँगी फटाफट से। तो चलिए कम टाइम लूँगी, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपको अगर मेरे वीडियो पसंद तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी आपके तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी ऐड करूँगी। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।